जम्मू की बात करें तो जम्मू की पहचान सिटी ऑफ टेंपल से भी होती है और जम्मू की जो तवी है मेन पहचान उससे होती है और हमारा जो यूथ है यहाँ पर फिलहाल उसी तवी को बचाने के आंदोलन जो है वो कर रहा है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं जैसे कि आज पाक है उसके लिए आ रहे हैं और देखिए यहाँ पे जो उनके पास जो सामान है उसमें से जो चीजें जो वह वो यहाँ पर निकाली जा रही है यानी कि तवी को जो है वो पोल्यूट होने से बचाने की कोशिश जो है वो कर रही है। ये तमाम हमारे साथ यूथ हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कितने सारा जो वेस्ट जो था फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ इन्होंने और कहीं ना कहीं जम्मू तवी को बचाने का प्रयास जो है वो इनकी तरफ से जारी है। आइए इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है और किस तरीके से ये कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर यूथ के द्वारा उनको रोका जाता है और जो चीजें कहीं ना कहीं बात करें जो चीजें जो नहीं सेग्रीगेट हो सकती उन चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश की जाती है और आइए इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका कहना है। और जी ब्रदर आपका नाम और क्या कहना चाहोगे ये जो पूरा आप कर रहे हैं ये आपको कहाँ से आया और किस तरीके से कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून सर, हम जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, हमारे टीचर्स एसोसिएशन और जो हमारे ग्रीन क्लाइमेट फंड की तरफ से हमें ये दिया गया है कि हमने जो लाइफलाइन जिसको कहा जाता है जम्मू की उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने के लिए कहा गया है। हमारे टीचर्स भी हैं जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम ये इनको डिफरेंट तरह के वेस्ट से उनको काफ़ी सेग्रीगेट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के वेस्ट से उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि इनको अलग रखा जा रहा है, पॉलीथीन को अलग रखा जा रहा है और उनको अलग सेग्रीगेशन हो रही है। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हमारी तवी रिवर है उसको पॉल्यूशन से बचाया जाए क्योंकि आजकल के टाइम पे काफ़ी पॉल्यूशन जो है ग्रीन क्लाइमेट चेंज वगैरह वो सब चल रहा है तो उसी की प्रोटेक्शन के लिए जो है ये इस सोर्स को सेग्रीगेट पहले किया जा रहा है ताकि जो आगे जो है उससे जो मैरीन लाइफ है और जो फिशेज वगैरह वहाँ पे बीच में जो एक्वेटिक लाइफ है उसको हानि ना पहुँचे और जो उसके बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएं। तो इसलिए हम जो है इसके ऊपर काम वर्कआउट कर रहे हैं और हम काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। क्या लगता है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका कितना सहयोग मिल पा रहा है क्योंकि बात करें कहीं ना कहीं हम तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से लेकिन लोग कहीं ना कहीं उस बात को समझ नहीं पाते। जहाँ तक मुझे लगता है काफी टाइम से आप यहाँ पर हैं, बहुत सारे अलग अलग मेंटेलिटी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज को समझ पाते हैं जैसे आपके माइंड सेट में है, क्या वैसा वो ले पा रहे हैं उस बात को? हाँ जी बिल्कुल सर, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हम उनको कह रहे हैं कि आप पॉलीथीन वगैरह जो है उसको निकाल के आगे चलें तो वो मान रहे हैं और इवन जो काफी मतलब अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं वो भी लेके जा रहे हैं और वापस जो है उसको वापस लेके भी आ रहे हैं तो मतलब वो पॉल्यूशन जो है उसकी काफी हद तक रुक रही है। ना कहीं 50% सहयोग जो है जनता भी कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वो भी कर रही है। आगे के दृश्य भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सेव तवी कैंपेन, देखिए स्टॉप पॉल्यूशन सूर्यपुत्री, जम्मू तवी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है और उसी को बचाने का प्रयास आज यहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि बात करें आज पाक है और उसी के चलते कई सारे लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं और आज जो है पूजा के लिए यानी कि सूर्यपुत्री जम्मू तवी के अंदर आ रहे हैं पाक बहाने के लिए और उसी की दृश्य मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और कई सारे एनजीओ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनजीओ यहां पर अभी पहुंचे हुए हैं, काम कर रहे हैं और खास इसमें अगर मैं बात करूं तो पार्टिसिपेट जो कर रहा है वो हमारे जम्मू का यूथ जो है यहां पर कर रहा है। देखिए यहां पे तमाम जो यूथ हैं और कई सारे एनजीओ आप देखें यहां पे बैनर्स लगे हुए, अलग अलग एनजीओ जो है यहां पर फिलहाल काम कर रहा है और तमाम एनजीओ के यूथ जो है वॉलंटियर्स यहां पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज के दिन जो है जम्मू तवी को कहीं ना कहीं पोल्यूट होने से बचाया जाए। और ये दृश्य मैं आपको यहां पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो तमाम सामान है आप देखिए कितनी तादाद में और कितना जो है कितना परसेंट सामान जो है फिलहाल इन्होंने यहाँ पर स्टोर करके रखा है, तमाम लोगों से जो है वो उन्होंने निकाला है कि कहीं ना कहीं जम्मू तवी को जो सूर्यपुत्री के नाम से जानी जाती है फिलहाल उसको जो है वो बचाया जाए और उसी के चलते फिलहाल देखिए कितना सारा यूथ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और कई सारा यूथ यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर स्टॉल्स आप देखिए यहाँ पर लगाए हुए हैं, अलग अलग एनजीओज हैं यहाँ पर और ये भाई हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। जी ब्रदर क्या कहना चाहोगे और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं कैसे उनको रोका जा रहा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं? देखिए जैसा कि हमें पता है कि तवी जो है हमारी सूर्य पुत्री है तो हम कई सालों से ये कर रहे हैं, ये हमारा 6th टाइम है कि हम अपनी तवी को गंदा नहीं होने दें। तो जब लोग साख लाते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होती है, उसमें सिर्फ हमारी माता नहीं होती, उसमें चुन्नी होती है, मोली होता है, पत्ते होते हैं, जो चीज़ें सेग्रीगेट हो सकती है जो हम तवी में नहीं जानते। तो जैसे लोग यहाँ से आते हैं
हम यहाँ पे इनको खाली करते हैं, मतलब उनको सिर्फ माता लेन देते हैं, इवन की प्लास्टिक है पॉलीथीन में लाते हैं, वो प्लास्टिक हम अलग करते हैं। जैसे आप यहाँ पीछे देख पा रहे हो कि प्लास्टिक अलग है, यहाँ पे फूल अलग किए जाते हैं, पत्ते अलग किए जाते हैं, फिर उनका जो फूल वगैरह होते हैं उनके हम धूप अगरबत्ती बनाते हैं, और जो पत्ते वगैरह उनको अलग से सेग्रीगेट करके चुन्नी से कपड़े बनाए जाते हैं, चादरें बनाई जाती है जो माता को चढ़ती है, मूर्तियां होती है जो मंदिर में चढ़ती है। तो यही हमारा एक एफर्ट है कि हम अपनी शान अपनी पहचान को साफ रखें। काबिले तारीफ और वेरी अप्रिशिएटेड काम जो है यूथ कर रहे हैं। हमारे साथ क्लाइमेट फ्रंट जम्मू के प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी ब्रदर, क्या कहना चाहोगे, जहां आज यूथ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में अलग अलग बातों में कहीं ना कहीं व्यस्त है, और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आप इस चीज में लग रहे हैं, अपना जो पार्टिसिपेशन है इसमें दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, जहां बाकी जो यूथ आपको देख रहा है क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्टली नाम बताइए। माइसेल्फ शुभम सिंह बबोरिया, मैं प्रेसिडेंट हूँ क्लाइमेट फ्रंट जम्मू। मैं सबसे पहले यूथ का ध्यान और जम्मू वासियों का ध्यान तवी पे लाना चाहता हूँ। एक्चुअली तवी में हम लोग बात करें 37 मेजर और माइनर ड्रेन्स पड़ती है, आई मीन नाले पड़ते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे एक्टिव नहीं है। आप तवी की हालत देख सकते हैं, जो ये लोग इतनी पूजा करके, 9 दिन पूजा करके जो तवी में साख विसर्जन हो रहा है, कहीं ना कहीं 37 नाले उस तवी के अंदर पड़ रहे हैं। लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम इस किस स्वच्छता में क्या कर सकते हैं, क्या अपना दे सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स फंक्शनिंग पे नहीं है। महाराजा हरि सिंह के टाइम की ड्रेनेज पैटर्न्स बनी हुई है जो आज तक इनोवेट नहीं हुई, ना ही सरकार ने की है, ठीक है। और हमारा यही रहेगा मेन मोटिव, हमारा ये है कि ये जो प्रॉपर वेस्ट एग्रीगेशन और लोगों का ध्यान जाए कि हम अपनी तवी को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि जम्मू का जो यूथ जितना भी लोग हैं वो सारा इस तवी से ही पानी पीते हैं। ग्राउंड लेवल तो काफी नीचे चल गया, बड़ी ब्राह्मणा में 323 जम्मू में ही काफी कम है। और जित फिशीज की भी मैं बात करूं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्पीसीज थी, 45 अराउंड स्पीसीज थी, आज सब खत्म हो गया। अब तवी की हालत इतनी डिग्रेड हो चुकी है, आई थिंक यूथ को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 60+, 40 मतलब कि 40 साल 50 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 20-25, हम कैसे सर्वाइव करेंगे? चीता हमने इम्पोर्ट किए ना नामीबिया से, हम किस प्लेनेट से अपने आप को इम्पोर्ट करेंगे? वो चीज है, और यूथ को जुड़ना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और देखिए पीछे के दृश्य भी आपको दिखाएंगे, कितने सारा जो यूथ है फिलहाल इस जगह पर है, और कुछ और भी बहुत सारे एनजीओ आए हैं। बैनर में दिखाऊंगा आपको, आप देखिए सेव रायका फॉरेस्ट, इसके साथ क्लाइमेट फ्रंट इंडिया, और इसके साथ साथ कई सारे जो एनजीओ जो हैं फिलहाल आप देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग एनजीओ जो हैं फिलहाल यहाँ पे काम कर रहा है। लीव फॉर अदर बीइंग हेल्पफुल फाउंडेशन और कई सारे एनजीओ, फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हैं और इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आइए कुछ आगे के दृश्य जम्मू तवी के भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैम हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना। मैम मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या कहना चाहेंगे, ये जो पूरा यहाँ पे सेटअप लगाया गया है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर दीपिका सलाथिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये जो सेटअप है ये सेफ तवी कैंपेन के रिगार्डिंग है। ये हम लोगों ने, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज ने, हमने ये स्टार्ट किया था इन 2013, और उसके बाद काफ़ी सारे हमारे साथ एनजीओज अप टू JKPCC भी जुड़ गया है। और इसमें यही है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि जो पॉलीथिन है या कोई ऐसा मटेरियल जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको तवी में मत डालिए। सिर्फ आप खेतरी लाए हैं, खेतरी को आप यहाँ पे डालिए, और बाकी सामान हमें यहीं पे सेग्रीगेट करके दे दीजिए ताकि हम उसका अच्छे से डिस्पोजल कर सकें। और जो हमने चेंज देखा है फ्रॉम 2013 टिल डेट, जैसे आज 2022 है, तो इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, पॉलीथिन हमें देने में कतराते थे या गुस्सा करते थे। अब मतलब इतनी अवेयरनेस लेवल इतना हाई हो गया है कि हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही पहले ही दे देते हैं कि आप चुनरी भी ले लीजिए, पॉलीथिन भी ले लीजिए, पूजा सामग्री भी। या दे आर वेरी सपोर्टिव। आई थिंक कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल है। अभी आप तभी की खुद ही कंडीशन देख सकते हैं कि बेटर है। 2013 की मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पे ये पूरी क्लॉग्ड होती थी, बिल्कुल पॉलीथिन, क्योंकि लोग सब पॉलीथिन डाल जाता था। बट अब वो सब नहीं है, तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज। हमें अच्छा लगता है ये देख के कि हमारे स्टूडेंट्स का मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें।
जी, चलिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ दृश्य तभी के भी मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे, क्योंकि बात करें हम बहुत बार यहाँ पे विजिट किए हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी हमने दिखाने की कोशिश करी। आप वहाँ पर देखें कुछ यूथ है फिलहाल अभी भी तवी के अंदर जो कचरा है, जो वेस्ट है वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, जो देखिए काफी भारी जो वेस्ट है यहाँ पर उन्होंने निकाला है वो आप देखिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं। और उनके जो मेन जो उनको लीड कर रहे हैं शिशपाल सिंह जी, वो अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो वेस्ट जो है तवी के अंदर जो है वो ना फेंके, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी जो है वो अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जम्मू तवी पर आना है और इसको साफ रखने की कोशिश करनी है। हमारे साथ शिशपाल सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अप्रिशिएटेड काम आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के सबसे पर? थैंक यू सर। मेरा नाम शिशपाल सिंह है, मैं अध्यक्ष हूँ तवी आंदोलन का। पिछले 10 साल से हमारा तवी आंदोलन अवेयरनेस कैंप लगा रहा है 8वीं और 9वीं पे। तो इस बार तो श्रद्धालुओं ने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया है, क्योंकि अगर मैं 5 साल की बात पहले करूं तो 8वीं पे 25-30 बस जो टेम्पू थे वो इतना बदल जो माता की चुनी हुई निकलती थी, आज की डेट में 2-3 टेम्पू ही निकले हैं। जे मैं तवी आंदोलन पूरे एनजीओ जितने उनको बहुत हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के साथ दिया है। और हम यही अपील करते हैं कि नवमी में जब भी आप माता की साग लेकर आते हैं उसमें सिर्फ आप माता की साग ही लेकर आएं, चुन्नी वगैरह, चुनी माता की चुन्नी होगी, फूल होगे, प्लास्टिक होगी या कोई चीज़ ऐसी ना लेकर आए जिससे कि सूर्यपुत्र तवी माँ जो उसमें अगर आप डालते वो पानी थोड़ा खराब हो। और आपके माध्यम से मैं मीडिया के माध्यम से एक बात भी रखना चाहता हूँ एलजी साहब से, कोई 32 नाले तवी सूर्यपुत्र तवी में डाले हुए हैं, इसको जल्द से डाइवर्ट करना चाहिए। ये हमारी आस्था है, सूर्यपुत्री हमारी माँ है और जम्मू की शान है। तो बड़ा दुख होता है कि एक तरफ हम माता की नौ दिन तक पूजा करते हैं और जब माता की साग विसर्जन करने आते हैं आगे गंध पड़ा, आपके सामने देखिए नाले पड़े हुए हैं, पूरे एक पूरी सीढ़ी का गंध इधर आ रहा है, तो बड़ा दुख होता है। तो बात करें आप जो वेस इकट्ठा किया, अभी भी यूथ एक बैग लेकर गए हैं काफी बड़ा, तो काफी ऊपर भी आपने क्वांटिटी में इकट्ठा किया, इसका आप क्या करते हैं, इसको कैसे आगे मैनेज करते हैं? नहीं, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले हैं वो ले जाते हैं, उनके हवाले जो मतलब जैसे कुछ पॉलीथीन है वो जेएमसी के गाड़ी लगी हुई है तो वो ले जाते हैं। तो जेएमसी डिपार्टमेंट भी बहुत हमारा बढ़ चढ़ के साथ दे रहा है, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कुछ एनजीओ आए हैं और बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। जी जी, तो क्या मैसेज बाकी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए रहेगा और खास जो यूथ आपको देख रहा है उनके लिए रहेगा? मैं पूरी जम्मू की आवाम को यही मैसेज देता हूँ, जब भी आप 8वीं और 9वीं में आते हैं प्लीज़ घर से सिर्फ माता की ही साग लेकर आएं, कोई फाल मतलब कोई माता की चुनी फूल वगैरह ना लेके, हो सके तो जैसे आप ये मिट्टी के दिए लेके आते हैं ना, इससे अच्छा कि आप अगर वो आटे के दिए लेकर आएं ताकि जो तवी मैया में जो मछली वगैरह जीव जंतु रहते हैं उनको भरपेट खाना मिले और जो आप मनोकामना वो फिजेगी आपकी पूरी होगी। जी जी, बहुत अच्छा मैसेज। हमारे साथ शिशपाल सिंह जी थे और कई सारे एनजीओ फिलहाल ऊपर काम कर रहे हैं और काबिले तारीफ काम कर रहे हैं कि सूर्यपुत्री जम्मू तवी को जो है वो साफ रखने का काम जो है वो जारी है और ये कंटिन्यू करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। और देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से फिलहाल अभी भी कुछ नालों का पानी जो है यहाँ पर आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि इनके अगर हम बात करें पहले के कुछ दृश्य, जब हम पहले विजिट हमने किया है यहाँ पर तो बहुत सारा गंद जो है यहाँ पर रहता है, लेकिन फिलहाल जब से जम्मू का यूथ और शिशपाल सिंह जी यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके चलते फिलहाल थोड़ी राहत नजर आई है, कुछ ना कुछ सफाई जो है जम्मू तवी के अंदर नजर आ रही है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कहीं कहीं कुछ कुछ जगह जो है वो आपको पॉलिथीन बैग दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर पहले की बात करें तो काफी ज्यादा वेस्ट यहाँ पे पड़ा रहता था, काफी ज्यादा गंद जो था यहाँ पर रहता था, लेकिन फिलहाल अभी जो है जम्मू तवी जो है वो साफ है और जम्मू का यूथ और इसके साथ साथ कई सारे एनजीओ जो हैं वो काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और हम इनको इनको हम शुभकामनाएं देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि लगातार ये ऐसा काम जो है वो करते रहें कि जम्मू तवी को जो है वो बचाया जाए। और कई सारे नाले जो है जम्मू तवी में डाले जाते हैं और कई सारा गंद जो है वो इसी में आता है, उसको लेकर भी कुछ ना कुछ प्रावधान जो है वो रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका भी एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा सेटअप जो है वो होना चाहिए कि जम्मू तवी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ज्यादा पोल्यूट ना हो। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ, नमस्कार।